आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो लगभग हर घर में हर रोज़ बनती ही है, लेकिन हम इसे कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। इसे हम जैसे ढाबे में हमें मिलती है बिल्कुल ढाबा स्टाइल से बनाने वाले हैं। ये है तड़का दाल, यानी कि इसको दाल फ्राई भी आप बोल सकते हैं। आज मैं जो दाल बनाने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल स्टेप से मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तड़का दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने तीन तरह की दाल ली है। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ मूंग दाल ली है, जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया है, और 4 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ मसूर दाल ली है। इसको भी मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है, और इनका डबल यानी कि 8 बड़े चम्मच मैंने यहाँ तुअर दाल ली है। तुअर दाल का कॉम्बिनेशन इन दोनों दालों के साथ बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैंने तीनों दालों को मिक्स कर दिया है, और इसमें लगभग 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। 1 कप दाल है तो हमने यहाँ 1.5 कप इसमें पानी डाल दिया है, और 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। 2 मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है, जिसे हम मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, वो डाल लेते हैं। मिर्च आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इसे 1 सीटी आने तक पका लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल लिया है। 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई अदरक ली है, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। इसे आप क्रश भी कर सकते हैं या आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ 1 प्याज लिया है, इसे भी डाल लेते हैं। प्याज को हम यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज को यहाँ अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच जो धनिए के डंठल होते हैं, जो अक्सर हम यूज़ नहीं करते हैं, जो धनिए की पिछले वाली जो डंडियाँ होती हैं, वो मैंने बारीक कट करके ली हैं। इसका हमारी दाल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1/4 छोटी चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, ये मैंने 1 ही लिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। बहुत सारे हैं जिसको दाल में टमाटर पसंद नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है टमाटर, इसलिए मैंने डाल लिया है। इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक आप ध्यान से डालना, क्योंकि दाल को पकाते टाइम भी नमक इसमें हमने डाल लिया था। अब इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिला देंगे, और लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पका लेंगे। दो मिनट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो दाल हमने उबाल के रखी थी वो इसमें हम डाल लेते हैं। अगर मसाले आपको ज़्यादा पसंद हैं तो आप इनकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है, और अगर दाल अपने हिसाब से आप पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। ये मुझे हल्की सी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें 1/2 कप पानी और डाल लेती हूँ। आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी इसको कर सकते हैं, तो 1/2 कप पानी मैं डाल रही हूँ इसमें। अब हम इसे ढक कर 2 मिनट के लिए उबाल आने तक पका लेंगे। ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना है, हल्का सा दाना रखना है, तो इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, और उसमें 2 बड़े चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप अगर तड़का घी में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी दाल लगेगी। और 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ।
अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप भी लहसुन को स्किप कर सकते हैं। एक दो चुटकी मैंने यहाँ हींग डाली है, हींग का फ्लेवर दाल में बहुत ही अच्छा लगता है। और तीन मैंने यहाँ सूखी लाल मिर्च ली है, वो डाल देते हैं। अच्छे से इसे सोटे कर लेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का हमारा तैयार है, दाल भी यहाँ उबल गई है, बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है। अब जो तड़का हमने तैयार किया है वो अपनी दाल में डाल लेंगे हम ऊपर से। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी दाल बनकर तैयार हुई है। डाल देते हैं तड़का, बिल्कुल ढाबे स्टाइल हमने तड़का लगाया है। आप चाहें तो जहाँ मैंने लहसुन डाला है वहाँ आधी छोटी चम्मच आप जीरा भी डाल सकते हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च पहले ही डाल ली थी तो मैं यहाँ लाल मिर्च डाल रही हूँ। देखिए दाल एकदम परफेक्ट हमारी बनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ और एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ कसूरी मेथी को तवे पे भून के लिया है और अच्छे से क्रश करके डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे, गैस को कर देंगे बंद और दो मिनट के लिए ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। देखिए तड़के वाली दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। आप तड़का दाल बोल सकते हैं, दाल फ्राई बोल सकते हैं, आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लग रही है। आप ऐसे तड़का दाल बना सकते हैं बिल्कुल इजी स्टेप से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, या आप सोशल साइट पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।